शारदीय नवरात्रि का आगाज हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन जगत जननी माँ जगदम्बा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री के पूजन का विधान है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। धार्मिक मान्यता है कि शक्ति उपासना के महापर्व के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन और पूजन से जीवन के हर तरह के कलेश और बाधाएं दूर होती हैं। बताते चले कि नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि माता शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगनी भी हैं। बात इनके स्वरूप की करें तो देवी पुराण में इनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए हुए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान हैं। देखिए, नवरात्र के पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम दिन जो है भगवती शैलपुत्री की का जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। इनके पूजन अर्चन करने से व्यक्ति की क्लेश और कष्ट की बाधाएं जो है नष्ट होती हैं। इन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था शैलपुत्री के रूप में, इस वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और ये शिव की प्रिय और अर्धांगिनी है। इनकी पूजा पाठ करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वह सभी दुष्ट और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इनके पूजन में हमको गुड़हर के फूल का प्रयोग या कमल के फूल का प्रयोग करना चाहिए। इनके पूजन में हमको पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और क्या कहते हैं मिश्री रख कर के चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो नकारात्मक और दुष्ट शक्तियाँ हैं उसको नष्ट करके हमको आगे बढ़ाती हैं और एक नए ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती हैं। जय विश्व।